फोरलैन और नेशनल हाईवे के जो भी काम रुके हुए हैं उन्हें जल्द शुरू करवाया जाएगा और सरकार इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। इससे पहले जयराम ठाकुर को प्रेस क्लब मंडी ने शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया। ये सम्मान मंडी जिला को पहला मुख्यमंत्री मिलने के नाते दिया गया। जयराम ठाकुर ने इसके लिए प्रेस क्लब मंडी का आभार जताया। वहीं जयराम ठाकुर ने फोरलैन निर्माण को लेकर हो रही देरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ये मामला उनके ध्यान में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाइफलाइन सड़कें ही हैं और फोरलैन तथा नेशनल हाईवे यहां के पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनका काम जल्द से जल्द पूरा हो, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करेगी और जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रभावितों को उचित मुआवजा मिले इसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास करेगी। साथ ही जयराम ठाकुर ने इस निर्माण में भी अभी तक हुए अनियमितताओं की जांच पड़ताल करने की बात भी कही। फोरलेन और ये जो नेशनल हाईवे लेकर और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ रहा हूँ और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की जो लाइफ लाइन है वो यही है, इसको जल्दी एक्सप्लॉइट करेंगे और उसमें कोताही करने की मतलब डिले जो डिले हो रहा है अनावश्यक रूप से उनके हम कारणों को पता करेंगे। हाँ जी, उस सारी चीज को भी हम थोड़ा सा इस तरह से देख रहे हैं उसको क्या करना है क्योंकि उसमें फाइनेंस से हमने उसमें थोड़ी सी मांगी है जानकारी क्या उसका इम्प्लीकेशन क्या आ रही है मिलाकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो करने की चीज पहली अप्रैल 2000